दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस. प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो आज की इस वीडियो में पहले हम 8 सितंबर 2020 की कॉल्स का रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको 9 सितंबर 2020 के लिए कॉल्स बता दूंगा. तो देखिए, जैसे कि सब्सक्राइबर्स की हमारी कॉल थी, सबसे पहले मैंने जो सब्सक्राइबर्स के लिए हमारी कॉल दिया, वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट मार सकते हैं. वेबसाइट में जो आपको कॉल्स दिखेगी वहाँ पे आपको इन सब कॉल्स के लेवल दिख जाएंगे. तो इनमें देखिए, हमारे खाली रिलैक्सो में पहले SL हिट हुआ शॉर्ट सेलिंग साइड का, फिर टारगेट अचीव हो गया था, बट पहली बार मैं SL हिट हुआ था. तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर पहली बार मैं SL हिट हुआ था, दूसरी बार आपको कॉल ले सकते हैं, बट पहली बार में टारगेट अचीव हो जाता, दूसरी बार आपको कॉल नहीं लेंगे. तो ये रिजल्ट रहा हमारे सब्सक्राइबर्स की कॉल का. बात करूँ यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाइएगा. टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में मैंने 2 कॉल्स प्रोवाइड करी थी. तो एक्सिस बैंक में हमारा बाई साइड कैसे लेट हुआ था, बाकी हमारी कॉल सारी अचीव हुई थी. आप हमारा प्लान खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट में विजिट मार्केट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, और मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा. तो चलिए बात कर लेते हैं 9 सितंबर 2020 की कॉल्स के लिए. तो पहला जो स्टॉक है आपके लिए वो मैंने चुना है भारत फोर्ज, जिसे आप आए करके चलेंगे 470.10 पे, यानी कि जब लेवल ब्रेकआउट होगा 470 का, टारगेट रहेगा 472, 478, 482 और स्टॉप लॉस रहेगा 467 का. शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी इसकी 466 की, टारगेट रहेगा 464, 460, 456 और स्टॉप लॉस रहेगा 470 का. ये बात ध्यान रखेंगे, लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है. शॉर्ट सेलिंग साइड का लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा, 466 की जगह 465.90 जब स्टॉक की प्राइस हो जाएगी तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे. ध्यान रखेंगे अगर कोई स्टॉक गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, आप वेट करेंगे गैप फिल होने का. गैप फिल कैसे होगा, 10 AM के अंदर अंदर गैप फिल हो जाना चाहिए. उसके बाद अगर गैप फिल होता है तो आपको वो मैटर नहीं करता, आप उस स्टॉक को छोड़ देंगे अगर 10 AM तक गैप फिल नहीं होता है. अब गैप फिल कैसे होगा ये बात भी ध्यान में रखने वाली बात है. तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, बाय साइड का जो आपका लेवल है और शॉर्ट सेलिंग साइड का जो लेवल है, इन दोनों के बीच में, इस दोनों लेवल्स के बीच में स्टॉक जो है 1 मिनट का कहीं पे होल्ड लेगा. होल्ड कैसे लेगा, अप एंड डाउन करेगा, बट लेवल जो होगा इन दोनों के बीच के रहेंगे उसके. जैसे मान लीजिए 207 पे मैंने बाय के लिए कहा है और 204 पे मैंने शॉर्ट सेलिंग के लिए कहा है, तो 207 पे भी होल्ड ले सकता है, 206 पे, 205 पे, 205 से 206 जा रहा है, फिर 205 आ रहा है, मतलब ऐसे बीच में इन दोनों स्टॉक जो प्राइस है उसके बीच में या फिर इन दोनों प्राइस पे ही होल्ड ले रहा है, उसके बाद आप शॉर्ट सेल या बाय कर सकते हैं. वैसे ही गैप डाउन ओपन होने पर आप ऐसे ही होल्ड का वेट करने के बाद ही आप शॉर्ट सेल करेंगे. उससे पहले शॉर्ट सेल नहीं करेंगे कि उसने होल्ड ले लिया एकदम से टच करके वापस आ गया. जैसे मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ है, टच किया 207 का और एकदम से ऊपर आ गया, तो आप ऐसे में बाय नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे. ऐसे उल्टा शॉर्ट सेलिंग के लिए गैप डाउन में ऐसा नहीं करेंगे, फिर होल्ड लेना बहुत जरूरी है. तो उसका बाई का लेवल है 207 का, टारगेट रहेगा 208, 210 और 212 का. स्टॉप लॉस रहेगा 205, 204 का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगा, टारगेट रहेगा 203, 201, 199 का. स्टॉप लॉस रहेगा 206 का. ध्यान रखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे विजिट जरूर मार लीजिएगा. और हमारे जो ये व्हाट्सएप का जो आपको नंबर आपके डिस्प्ले में दिख रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप करके कोई भी आपकी क्वेरी है हमसे पूछ सकते हैं. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएगा आपको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर आपका आज का ट्रेड कैसा रहा. तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ.